जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी में एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं भुंतर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मणिकरण घाटी के लहाशिनी गांव की रहने वाली योगेश्वरी देवी ने कहा कि गत 23 मार्च को वह अपने कमरे में सो रही थी, उसी दौरान उसका जेठ जेठानी पति व सास कमरे में आए और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। उन्होंने रात को ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं उसके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। पीड़िता का कहना है कि इससे पहले भी दहेज की मांग को लेकर उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर चुके हैं। 23 तारीख को रात को सब आए थे ना, सास जेठ जेठानी और पति, रात को अंदर आए और मेरा दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सीधा मेरे को धक्का मारा अंदर को, और फिर मेरे बाल नोच लिए, मेरे कान में भी लगा रही, यहाँ से खून निकल रहा है, गला भी दबाया मेरा, फिर यहाँ मारा है मेरे को। फिर उसके बाद वो वहाँ पे जो मैंने वहाँ पे कुछ बिछाया हुआ था वो भी सारा कुछ झाड़ के ले गए और मेरे को बोला कि तेरे बाप का नहीं है, अगर यहाँ रहना है तो हमारे को पैसे दे दो। इसके लिए जेठ और जेठानी ने कहा कि हमारे पैसे दे, उसके बाद रहना यहाँ लेंटर में। केशपुरम है, मैं कैस में रहने वाला हूँ, मेरे गाँव शरण लेना। तो मेरी बेटी के साथ पहले से ही मारपीट का मामला शुरू हुआ और मेरी बेटी को दहेज के पीछे मार रहे हो पूरा ससुराल वाले। इसलिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं इस मेरी बेटी के पीछे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।